Hello students, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. Our topic is total revenue and total cost curve in monopoly. ठीक है, हम पढ़ रहे हैं monopoly market. ठीक है, उसके अंदर हम देखेंगे कि total cost curve और total revenue curve आपका कैसे draw किया जाता है. ठीक है, first देखते हैं total revenue. जिसे हम लिखते हैं टी आर. क्या है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको कुछ ना कुछ इनकम होगी. ठीक है, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू. क्लियर. सेकंड इज टोटल कॉस्ट. बिजनेस किया है तो कॉस्ट भी आएगी. कॉस्ट किस किस चीज पे आएगी, आप एक लैंड लोगे उसके ऊपर मशीनें लगाओगे. ठीक है, फिर रॉ मटेरियल भी लोगे और क्या क्या लोगे, लेबर लगाओगे. ठीक है, तो सब चीजों को मिला के क्या कहा जाएगा, टोटल कॉस्ट. ठीक है, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको, टोटल कॉस्ट. अब हम देखेंगे कि मोनोपोली मार्केट के अंदर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू क्या होती है और प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है. ठीक है, हमारे पास तीन डायग्राम है. फर्स्ट इज टोटल रेवेन्यू, सेकंड इज टोटल कॉस्ट एंड थर्ड इज प्रॉफिट आपका कैसे आपने ड्रॉ करना है. फर्स्ट आप देखते हो कि टोटल कॉस्ट, ये लाइन किस चीज की है, टोटल कॉस्ट की. ये कहां से स्टार्ट होती है, यहां से, क्योंकि इसके अंदर आपने पहले पढ़ा होगा टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट जुड़ी हुई होती है. इससे पहले वाली क्लास में आप रीड कर चुके हो कि ये दोनों आपस में ऐड हो चुकी होती है, इसलिए ये कर्व यहां से स्टार्ट नहीं होता. कहां से स्टार्ट होता है, हमेशा ऊपर से स्टार्ट होता है. ऊपर से स्टार्ट होता हुआ कॉस्ट हमेशा बढ़ती रहती है. कैसे बढ़ती है, जैसे जैसे आपके आउटपुट बढ़ेंगे, आप सामान बनाते जाओगे, आपकी कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है, आपने इतनी आउटपुट बनाई, ठीक है, कॉस्ट आपकी इतनी आई. आउटपुट ज्यादा बनाओगे तो आपकी कॉस्ट क्या आएगी, ज्यादा आ जाएगी. ठीक है, अब हम देखते हैं रेवेन्यू. रेवेन्यू भी क्या होती है, जैसे जैसे आप ज्यादा चीजें सेल करते जाओगे आपकी रेवेन्यू भी ज्यादा होती जाएगी. ठीक है, आपने एक चीज बेची 100 रुपीज की, टू चीजें कितने की सेल करोगे, 200 की. थ्री चीजें कितने की सेल करोगे, 300 की. इसका मतलब जैसे जैसे अपनी चीजें आप ज्यादा सेल करते जाओगे वैसे वैसे रेवेन्यू भी इंक्रीज होती जाएगी. इसका मतलब रेवेन्यू पॉजिटिव शेप की होगी. ठीक है, अब ये देखो रेवेन्यू का कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से. इसका मतलब जब आपने सामान नहीं बेचा तो क्या रेवेन्यू मिलेगी, नो. जब सामान सेल करोगे तभी तो रेवेन्यू मिलेगी ना. आपने रेवेन्यू इतना सामान बेचा, इतने रेवेन्यू. ज्यादा सामान बेचोगे तो ज्यादा रेवेन्यू आपको मिलेगी. क्लियर, ये आपका क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू कर्व, जो क्या है, पॉजिटिव शेप का है. अब देखो किसी भी चीज का प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालोगे, आपको देखना है कि बिजनेस में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है तो कैसे निकालोगे. आपको चाहिए टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट. ठीक है, एक चीज को बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है और कितने पैसे आपको मिल रहे हैं. ठीक है, अब आपको किसी चीज को बनाने के लिए कॉस्ट आ रही है 100 रुपीज और वो सेल हो रही है 120 की. आपने एक बुक बनाई, ठीक है, जो आपकी उसकी कॉस्ट क्या है 100 रुपीज और कितने की सेल की, 120 की. तो प्रॉफिट किसने का हुआ, 20 रुपीज का प्रॉफिट हो गया ना. इसका मतलब प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए,
टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट का डिफरेंस आपको चाहिए। यहां भी आप देखेंगे कि अगर आपने प्रॉफिट को ड्रॉ करना है तो क्या चाहिए, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट का डिफरेंस। कहां दिख रहा है, इस पॉइंट पर देखो, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब जितना खर्चा कर रहे हो उतना ही मिल रहा है, तो कोई फायदा हुआ? नो। यहां पर क्या होगा, प्रॉफिट जीरो। यहां देखो, यहां पर टोटल रेवेन्यू इक्वल है टोटल कॉस्ट, यहां कोई फायदा हो रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों दूसरे के इक्वल हैं। फायदा कहां हो रहा है, अब ये देखो, जितना गैप यहां पर ज्यादा होगा, यहां से ये दिख रहा है ना आपको, ये गैप और ये गैप क्या है, सबसे ज्यादा, तो यहां पर क्या है, प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसी को हम नीचे ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि यहां हम नाप नहीं सकते कितना हुआ कितना नहीं, तो ऐसे इसी कर्व को उठा के नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो तीन लाइनें ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस, यहां पर भी नो प्रॉफिट नो लॉस, और एक जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट आपका हो रहा है। क्लियर, यहां पर क्या है आपका, आप नेगेटिव में हो, नेगेटिव मतलब आपको लॉसेस हो रहे हैं। देखो रेवेन्यू आपकी इतनी है, ये वाली लाइन क्या है, रेवेन्यू की, ये लाइन क्या है, कॉस्ट की, तो आपको क्या हो रहा है, यहां पर नुकसान हो रहा है, तो नुकसान को कहां शो करोगे, नेगेटिव में। ऊपर वाली लाइन क्या होती है, पॉजिटिव की, और नीचे क्या होते हो आप, नेगेटिव में। ये लाइन यहां से स्टार्ट हुई, यहां पर क्या है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई लॉस नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, प्रॉफिट होना शुरू हो गया, और यहां पर क्या हुआ आपका, मैक्सिमम प्रॉफिट। इसके बाद ये गैप कम होता जा रहा है, तो यहां से आप इसको कम करते हुए यहां पर क्या कर दोगे, जीरो। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या हो रहा है, आप नेगेटिव में जा रहे हो क्योंकि कॉस्ट का ऊपर चला गया और रेवेन्यू का आपका नीचे आ गया। ठीक है, यहां से आप पॉजिटिव में हुए, इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ और फिर आपका प्रॉफिट कम होना शुरू हो गया और आप नेगेटिव में आ गए। ठीक है, कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो यही होगा, पहले आप रॉ मटेरियल इकट्ठा करोगे, बिजनेस स्टार्ट करोगे, ठीक है, फिर आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अब प्रॉफिट तो होगा, धीरे धीरे क्या आएंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कभी कोई मशीन खराब होगी, कभी कोई मशीन में प्रॉब्लम आगी, तो क्या होंगे, प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्रॉफिट कर्व, कहां पर, मोनोपोली मार्केट के अंदर, ये आपका प्रॉफिट कर्व और एवरेज टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू कर्व। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। Have a nice day.